आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। येस बैंक में लगातार गिरावट के बाद आज येस बैंक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिला है। क्या वजह है इसका? और एक न्यूज़ भी आया है, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के कारोबार के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं हूँ सरोज और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक एनालिसिस पर। दोस्तों, आज के कारोबार को थोड़ा नज़र कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ है 10.80 पे, हाई लगाया है 11.40, लो लगाया है 10.75, आखिरी पे क्लोजिंग दी है 11.15 पर। ओवरऑल स्टॉक में आज 3% की तेजी रहा है। स्टॉक ने दिन भर कंसोलिडेशन किया है, बीच में एक बड़ा सा स्पाइक आया है, जो स्पाइक है न्यूज की वजह से ही ये स्पाइक हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, ये 11 रुपये के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। पिछले दिनों से जो कंसोलिडेशन कर रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, 11 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आगे हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, प्राइस ऊपर जाने का संभावना है। आज की NSE पर जो कारोबार हुआ है, 15 करोड़ 13 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और सामने 32% की डिलीवरी उठाई गई है। और BSE पर टोटल 3 करोड़ 42 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और सामने 40% की डिलीवरी उठाई गई है। अच्छे खासे डिलीवरी परसेंटेज के कामकाज हुआ है, लोगों ने अच्छे खासे परसेंटेज में माल उठाया है। तो आगे न्यूज़ पे चले, न्यूज़ ये है कि क्रिसल जो एक रेटिंग एजेंसी है, येस बैंक को BBB+ रेटिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, क्रिसल एक रेटिंग एजेंसी है, वह येस बैंक को अभी BBB+ का रेटिंग दिया है। पूरे न्यूज़ को समझें, पहले BBB था, अभी बढ़ा दी है, BBB+ किया है। और ये जो रेटिंग है वो लंबे टाइम के लिए किया है, क्योंकि येस बैंक जिस तरह कामकाज कर रहा है, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इसके चलते ये रेटिंग मिला है। और डिटेल में देखें तो येस बैंक ने टोटल 1.63 ट्रिलियन डिपॉजिट अचीवमेंट किया है इस साल जून 30 को। येस बैंक ने 1.63 ट्रिलियन डिपॉजिट इंक्रीज किया है, जो पिछले साल 1.17 ट्रिलियन था, और पिछले साल मार्च को 1.05 ट्रिलियन था, लेकिन इस साल 1.63 ट्रिलियन डिपॉजिट इंक्रीज किया है। क्रिसल एजेंसी जो है वो BBB+ का रेटिंग दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। तो आगे हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। जो लोग इन्वेस्ट किए हो, वो लोगों को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 से 5 साल आप लोगों को होल्डिंग करना पड़ेगा, तो आगे हमें बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यही न्यूज़ है दोस्तों और यही इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड स्मार्टली, इन्वेस्टमेंट सेफली।